नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर्वाइकल था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था, तो मालूम पड़ा है हेमंत सर के बारे में। तब से नेचुरोपैथी का सारा ले रहे थे और आज सर का जो योगदान मिला उससे बहुत अच्छा फीलिंग है। कितना समय से आप यहाँ आ रहे हैं? तकरीबन 20 दिन से। अब पहले जो आपको तकलीफ थी उससे और अब तक? मैं बेड रेस्ट पे था, बेड पे था, अभी वॉकिंग कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूसुफ अली, एक बार फिर हम हाजिर है हेमंत माडगांवकर जी के इस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर पर। आज यहाँ इनके यहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर माइकल मिराकल ये आए हैं। इनकी अपनी एक अलग ही पद्धति है ट्रीटमेंट करने की। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे हम, पूरा इनसे ही जानेंगे कि क्या इसमें होता है, किस तरह से किस प्रकार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। माइकल सर नमस्कार। सर आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं बताइए। आर्थराइटिस, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, एंड बॉडी टोटल अलाइनमेंट। ये किस प्रकार से होता है, इसमें इसके फायदे क्या है? बहुत कारणों से बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। ये चेंज हुआ है तो इंटरनल ऑर्गन को थोड़ा ट्यूनिंग बदली हो जाती है, ये ट्यून करते हैं, बॉडी ट्यून करते हैं। इसको करने का तरीका कैसा है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या क्या इसके लिए इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं? ये बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। ये एलिमिनेट होने के टाइम बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, ये प्रिकॉशन लेना है। दूसरा दिन थोड़ा टेम्परेचर होता है बॉडी। आपके सेशंस जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं? और मेरे ऑल ओवर 14 ब्रांचेस मुंबई में है, मेन ब्रांच बदलापुर कल्याण साइड में हूँ। कितना समय से आप इस? आई एम अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स। लोगों को अपनी हेल्थ के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उस बारे में अपनी राय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। सिटी में रहने वाले को एक्सरसाइज बहुत कम होता है, इसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। मेरे पास 40 रिटायर्ड्स बच्चा है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में फ्री में लिया हुआ है। 40 बच्चे लोग कंटिन्यू फ्री में आ रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हम बात कर रहे थे अभी माइकल मिराकल सर से, और इन्होंने बताया, अभी आप देखेंगे इनके काम करने का जो तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। थोड़ी जानकारी शॉर्ट में इन सब चीज़ों की लेकर हेमंत भाई से कर लेते हैं। हेमंत भाई, आज के सेशन की जानकारी दो, क्या है और क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है? जी सबसे पहली बात, आप सबका स्वागत है नाथ ब्रह्मा नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी इज बेसिकली नो हॉस्पिटलाइजेशन, नो मेडिकेशन, नो साइड इफेक्ट्स। नेचुरली कुदरती पद्धति से, नैसर्गिक पद्धति से आपका बॉडी को हील करने का काम को नेचुरोपैथी बोलते हैं। और आज मैं नादब्रह्मा नेचुरोपैथी की टीम की ओर से शुक्रगुजार हूँ कि माइकल मिरेकल साहब फर्स्ट टाइम वसई विरार में आए हैं। वो साउथ मुंबई वगैरह रेगुलर घूमते रहते हैं, हमारे यहाँ पे वसई विरार में फर्स्ट टाइम आए और नादब्रह्मा के इन्विटेशन को उन्होंने मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आमंत्रण को वजन बढ़ाने का काम जो है, यहाँ पे आए हुए जितने भी पेशेंट्स हैं इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। इनिशियली से 10 पेशेंट का सोचा था हमने, देखते देखते 30 पेशेंट तक हमारा काउंट्स गया, इसीलिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेचुरल तरीके से बॉडी को ट्यून करने के काम को कायरो प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें सर ने 35 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और एक से एक बढ़िया रिजल्ट उनके पास है। जो पेशेंट आए आप बता रहे 30 पेशेंट है, कहाँ कहाँ के? वैसे विरार के हैं सर? अभी जो फर्स्ट पेशेंट गए थे वो विरार से आए थे, सॉरी वो अंधेरी जो जुहू में रहते हैं वहाँ से आए थे, मतलब इधर उनकी फैक्ट्री है हाईवे पे। और दूसरे पेशेंट थे वो बाइंदर से आए थे और यहाँ पे विरार वगैरह से भी आए हुए और लोकल्स भी बहुत सारे हैं। तो ये लोग जो बाहर से वहाँ से आते हैं, इनको कौन आपके यहाँ का पता बता रहा है कि क्या कैसा
किस तरह से खिंचाव है? अच्छा, खिंचाव है, कुछ गुडविल बोल सकते हैं, या फिर मेरे ओर से जहाँ से जिन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो लोगों को प्रमोट करते हैं, और इस प्रकार एक से दूसरा दूसरे तीसरा होता है, सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन चालू है वो हिसाब से। सैफ न्यूज लाइव को भी थैंक यू, क्योंकि सैफ न्यूज लाइव की वजह से बहुत लोगों को पता चला है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर आपका नाम? परमेंद्र श्रीवास्तव। सर आप किस फील्ड से क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ जो थेरेपी सेंटर पर आए तो आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सर्वाइकल था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था, तो मालूम पड़ा है हेमंत सर के बारे में, तब से नेचुरोपैथी का सारा ले रहे थे, और आज सर का जो योगदान मिला उससे बहुत अच्छा फीलिंग है। कितना समय से आप यहाँ आ रहे हैं? तकरीबन 20 दिन से। अब पहले जो आपको तकलीफ थी उससे और अब तक? मैं बेड रेस्ट पे था, बेड पे था, अभी वॉकिंग कर रहा हूँ। राइट, थैंक यू। सर मेरा नाम डीयू सेठिया है, मैं महाराष्ट्र पत्रकार संघ का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली मेरे को बोन का प्रॉब्लम था, मेरा L456 में गैप पड़ गया था, उससे बहुत पेनिंग होता था, मैं सो नहीं पाता था, और कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन लास्ट में मेरे को ये आपके नेट के वगैरह देखने को मिला और हेमंत भाई का नाम मिला, और हेमंत भाई का नाम मिलते ही मैंने ये आया और यहाँ पर मैंने थेरेपी वगैरह लिया, और इनका जो ट्रीटमेंट था वास्तव में बहुत काफ़ी सराहनीय है। कहते हैं कि एक अजूबा लेकिन सच। जो कितने सेशन मैं 5 सेशन से कंटिन्यूस आ रहा हूँ इनके इधर, और मेरे को बहुत रिलीफ है, बहुत आराम मिला है, और वास्तव में इनका जो सुजोक थेरेपी और ये जो ट्रीटमेंट इनका होता है, जो पॉइंट्स दबा के, ना कोई इसमें गोली खाना है, ना कोई दवा लेना है, ना कोई साइड इफेक्ट्स है, और बहुत रियल में इतना रिलीफ मिलता है, इतना आराम मिलता है कि पूछो मत। और वास्तव में मेरे लिए तो एक अजूबा है, जो वास्तव में सच है, मैं मानता हूँ, कोई भी कितना भी बोले चमत्कार से कम नहीं है। जो मेरा पेन था इतना वर्षों पुराना, वो आज गायब हो चुका है, और आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कहते हैं कि राम का युग आचार का है और कृष्ण का युग विचार का है, लेकिन आज का युग प्रचार का है। आप जैसे खोजी पत्रकार कहाँ कहाँ से ऐसे मतलब सेंटर को ढूंढते और वहाँ आप पहुँच जाते हैं, तो आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो आप वास्तव में ऐसी जगह जाते हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो ट्रीटमेंट हुआ, अभी आपको ये तकलीफ कितने टाइम से आपने बताया? 6 साल से आपको तकलीफ थी। अब ये ट्रीटमेंट के बाद जो सर ने किया उसके बाद आपको कुछ फर्क लग रहा है कि वैसे ही है? मगर आपको कुछ हल्कापन लग रहा है? कुछ जो बदन में जकड़न थी कल, थोड़ा बुखार है, गर्म होते हैं, थोड़ा पेन भी होगा, गर्म पानी में नहाना, परसों से ठीक है। मतलब पकल अगर फीवर आता है तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं लेना? नहीं नहीं, ये जो टॉक्सिन रिमूव होने के समय गर्म होता है। ओवरऑल आप जो भी हुआ उससे खुश है कि नहीं ये पूछना हमको? ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत, रोइए मत, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। चलो सोनी टीवी में आप मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।